आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आज हम देश के आगे दीन बजाकर जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार है और सचिन यादव हैं उनको ये बताना चाहते हैं, सचिन यादव माननीय कृषि मंत्री, उनको ये बताना चाहते हैं, ये बीन बजा रहे हैं, भैंस के आगे बीन बजाना जैसा हो रहा है। हम लोगों को उन्होंने भोपाल बुलाया, भोपाल बुला के बैठा के बात कही, और जब उनको बोला कि ये कृषि में जो प्राइवेटाइजेशन है इसको बंद करें, तो ये बंद तो नहीं किया उन्होंने, बाकी बात कोई सुन नहीं रहा है। ना कृषि मंत्री सचिन यादव हमारी बातों को सुन रहे हैं, ना उनके मुख्य सचिव कृषि के, वो भी उस बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम भैंस के आगे बीन बजा के सरकार का विरोध, सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको समझाना चाह रहे हैं कि अब तो आप समझ जाओ, कृषि छात्र इतने आंदोलन कर रहे हैं, आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो अब तो आप कम से कम सुधरे। अगर अभी तो हमने यही किया है, आगे आपको और भी हम परिणाम बताएंगे, लेकिन ये सरकार से रिक्वेस्ट है, ये प्रदर्शन के माध्यम से हम उनसे उनको बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि कृपया अब तो आप समझ जाइए। ये आंदोलन कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये आज आंदोलन का आठवां दिन है और आठवें दिन से ही हम कृषि मंत्री, उनके पीए और साथ ही जो कमलनाथ सरकार है उनको ये बता रहे हैं, 7 दिन से तरह तरीके से प्रदर्शन करके उनको बता रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, जो कृषि में प्राइवेटाइजेशन है उसको बंद करें, जो कृषि के रिक्त पद हैं उनको जल्दी जल्दी भरें, ये सारी मांगे उनको बताना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये भैंस की तरह वो बिल्कुल अनसुने हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि यहाँ पर सैकड़ों कृषि छात्र अलग अलग जगह पे, दोनों कृषि महाविद्यालयों के 10 से 15 कॉलेज के छात्र हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पर ये बात उन तक नहीं पहुंच पा रही, जैसे कि ये भैंस के कान में ये बीन की आवाज़ नहीं जा पा रही है। बस यही प्रदर्शन हम करना चाह रहे हैं और इसी के द्वारा सरकार को जागरूक करना चाह रहे हैं। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार, कृषि महाविद्यालय इंदौर। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.